हमारे प्यारे बच्चों, करियर बनाओ में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार आयुष एडमिशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्लैरिटी नहीं है बिहार में एडमिशन कैसे होता है। बहुत ज्यादा फर्जी काउंसलर हैं बिहार के अंदर जो आपको मिसगाइड कर देते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं। तो आइए करियर बनाओ के साथ जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और जेन्युइन सर्विस सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कितना सीट है, कौन कौन सा कॉलेज को परमिशन मिला हुआ है और काउंसलिंग का आज लास्ट डेट है। मतलब काउंसलिंग का चॉइस आज 14 तारीख है, 14 तारीख का लास्ट डेट है, 16 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो आइए हम वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रिवाइज सीट मैट्रिक्स ऑफ यूजी मैक 2024। जो भी हमारा यूजी मैक का काउंसलिंग चल रहा है, सीट देख लेते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज में कितना सीट है। यहाँ पे बीएचएमएस के लिए गवर्नमेंट आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूं। और भी बीएचएमएस कॉलेज को अप्रूवल मिला हुआ बेटा, उसका भी मैं लिस्ट दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा वीडियोस में बने रहिए। दूसरा अगर हम बात करें बेटा, आरएससी पटना बीएमएस के लिए जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जिनका मार्क्स थोड़ा कम है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एक कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज आरएससी पटना, आरएससी बेगूसराय में 0 सीट, मतलब आरएससी बेगूसराय में एडमिशन नहीं होगा, ओके बेटा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे बीयूएमएस के लिए। बीयूएमएस में हम लोग हर साल किसी ना किसी बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, 2021 में भी कराया था। तो बीयूएमएस में जो ऐसे बच्चे आते हैं जो मुस्लिम कैटेगरी से भी होते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं बीएमएस को, बीयूएमएस को, ठीक है। उसका नाम है गवर्नमेंट टीबी कॉलेज पटना, तो ये आप देख लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं बीएचएमएस, बीएचएमएस से ऊपर कॉलेज भी आप देखे थे, रामबालक है, महारिषि है, यदुवीर है, पटना होम्योपैथी मेडिकल, हलीम, जीडी मेमोरियल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, 274 प्राइवेट सीट है। ये सारे वैसे कॉलेज का लिस्ट है जिनको परमिशन मिल चुका है एनसीआईएसएम से, ओके। आगे हम लोग चलते हैं बेटा, ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा। बीएमएस में चार कॉलेज आ रहा है, निजामिया, सल्फिया, जेएच यूनानी, सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बीएमएस, ये है बीएमएस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सबसे पहले जो बच्चे इंडिया के हैं, 24 लाख अप्रोक्स बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का एग्जाम, और उसमें से 1.5 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाइड करते हैं, 23 लाख कम से कम अपियर करते हैं नीट एग्जामिनेशन में, और सबसे पहला जो प्रिफरेंस होता है एमबीबीएस कोर्स और बीडीएस कोर्स करते हैं बच्चे। जब वो उनको नहीं मिल पाता है तो बच्चे फिर आयुष कोर्सेज के तरफ आते हैं, और उसके बाद ही बच्चों का नीट में अगर नहीं होता है तो फिर बी फार्मेसी, पैरामेडिकल कोर्सेज, नर्सिंग कोर्सेज, फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज को करते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्राइवेट की बात कर ले तो बीएमएस में आपका डीएवी मेडिकल कॉलेज, स्वामी रघुवेंद्र त्रिवेदी गया वाला, जो कि 21 में भी मैंने वीडियोज बनाया था, छपरा में एक है, पटना में जेपी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा, एनएमसीएच है पटना में, 331 सीट आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल रहा है। तो जो भी बच्चे का मार्क्स थोड़ा कम है और जस्ट क्वालिफाइड आप है, तो उन बच्चों का भी एडमिशन हो सकता है प्राइवेट संस्थान में और आप एडमिशन ले सकते हैं। करियर बनाओ की गाइडेंस लेना ना भूलें, क्योंकि एक मात्र संस्था है बिहार के अंदर, ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म है और बच्चों को गाइड कर रहा है जेन्युइन तरीके से, कोई फ्रॉडबाजी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही मिनिमम सर्विस चार्ज रखा गया है बिहार के बच्चों के लिए, क्योंकि ये हमारा एटिक प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने लिस्ट देख लिया, अब कुछ और लिस्ट देखते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बोले सर हिमालय जो आयुष कॉलेज है वो आया कि नहीं, तो देखिए 13 तारीख का नोटिफिकेशन एक आया है बेटा, 13 तारीख को आप यहाँ पे देखिए, 13 तारीख को आप देखेंगे तो यहाँ पे हिमालय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पालीगंज पंडा 50 सीट इसके पास आ गया, और ये कॉलेज 50 सीट के साथ एमबीबीएस में भी पार्टिसिपेट किया यूजी में काउंसलिंग में। तो ये नया कॉलेज है और इसमें नर्सिंग कॉलेज भी काफी चलता है हिमालय का, और नर्सिंग कोर्सेज भी काफी बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो अब आपके पास एमबीबीएस और बीएमएस करने का भी ऑप्शन आ चुका है, तो हिमालय को मिल गया। उसके बाद हम लोग एक और एडवर्टाइजमेंट देखेंगे जिसमें की 12 तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया है, ये सब सारे कॉलेज परमिटेड हो गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 होम्योपैथिक संस्थान, 1 यूनानी संस्थान, जैसे यहाँ पे देख लिए बीएचएमएस, 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 बीयूएमएस के लिए जल्फिकार हैदर यूनानी, ये आपका नोटिफिकेशन है 12 तारीख को, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो परमिटेड कॉलेज है वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे च्वाइस फिलिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि मात्र एक कॉलेज है बीएमएस के लिए, यूनानी के लिए गवर्नमेंट टीबी कॉलेज एक है और होम्योपैथी के लिए भी एक कॉलेज है, ठीक है बेटा। यहाँ पे अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो एक बीएचएमएस के लिए, 2 बीएमएस के लिए पहले था, एक हो गया, और गवर्नमेंट टीबी कॉलेज पटना बीयूएमएस, तो मतलब गवर्नमेंट में अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो 3 कॉलेज मात्र है प्राइवेट के लिए होम्योपैथी का। आप लोग देख सकते हो पूरा पूरा होम्योपैथी का आप लोग को मैं दिखा दूं, इतना सारा कॉलेज है, और उसमें से और भी कॉलेज भी जो परमिशन वाला है वो भी मैं लिस्ट दिखा दिया पूरा,
ठीक है, और उसके बाद ये BUMS हो गया, तो ये सारे परमिटेड वाले हैं। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं ऑल दी बेस्ट, आप लोग अच्छे तरीके से काउंसलिंग करिए, और अगर हमारी सपोर्ट की जरूरत है तो बिल्कुल हमारे टोल फ्री नंबर पे कनेक्ट कीजिए। टोल फ्री नंबर है 8750092628। ओके, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।